मित्रों नमस्कार। पावन ज्योतिष प्रपात यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत। आज का टॉपिक बहुत ही रोचक और उपयोगी है। टॉपिक का नाम है कुंडली द्वारा अपने करीबी रिश्तेदारों के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट योर क्लोज रिलेटिव्स बाय होरोस्कोप। मित्रों बहुत ही रोचक और बहुत ही ज्ञानवर्धक और बहुत ही उपयोगी वीडियो आज का। आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे का लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बगल में जो बेल आइकन आती है उसको पुश कर दीजिए ताकि तत्काल सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिए, मित्रों को शेयर जरूर करिए ताकि अधिकतम लोगों को इसका लाभ मिल सके। और वीडियो को अंत तक पूरा देखिए तभी आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाए। मित्रों मेरा यह वीडियो टोटल एजुकेशनल है, इस नाते व्यूअर और सब्सक्राइबर का लोभ नहीं है। लोभ यह है कि जो लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, जो ज्योतिष में रुचि रख रहे हैं, जो केपी सिस्टम को सीखना चाहते हैं, उनको अधिकतम जानकारी और लाभ इसका मिल सके। आज का वीडियो मैंने बहुत ही कम गणित और बहुत ही उदाहरण कुंडली को नहीं दिखाया है ताकि कुछ जो खास सूत्र है उसको आप समझ सकें। आज के वीडियो का टॉपिक के अनुसार ही खास सूत्र है कि आपकी कुंडली द्वारा आप अपने रिश्तेदारों के बारे में कैसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, यदि आवश्यक हुआ तो कैसे उनके बारे में भविष्य कथन कर सकते हैं, फलादेश कर सकते हैं। प्रायः स्थिति आती है कि मेरे बच्चों के बारे में बताइए, मेरे पत्नी के बारे में बताइए, मेरे माता पिता के बारे में बताइए। यद्यपि शास्त्र का यह नियम है उसका उल्लंघन नहीं करना चाहिए, जिसकी कुंडली हो उसका ही फलादेश उसे बताना चाहिए, लेकिन अत्यावश्यक होने पर आप किसी एक की कुंडली से उसके रिश्तेदारों के बारे में भी लाइट वे में फलादेश कर सकते हो, जो प्रायः सही होता है, सटीक होता है। कैसे आप करोगे, इसके लिए आपको अपने कुंडली द्वारा अपने रिश्तेदारों की पहचान करनी है। देखिए हमने यहाँ केपी लग्न आदि कष्ट चार्ट दिया है, मतलब लग्न और कष्ट दूसरी दोनों कुंडली में आप इसका प्रयोग कर सकते। जैसा कि आप जानते हो कि ये कुंडली मान लीजिए हमारी है, आपकी है, लग्न आपका अपना स्थान है। अब आपके रिश्तेदार जो करीबी रिश्तेदार हैं, करीब करीब आपके अंदर नॉलेज है, जानकारी है कि तृतीय स्थान छोटे भाई बहन का होता, चतुर्थ स्थान माता का होता है, पंचम स्थान संतान का होता है, पुत्र पुत्री का, सप्तम स्थान पति या पत्नी का होता है, नवम स्थान पिता का होता है। यह मित्रों जो परंपरागत या प्रचलित ज्योतिष है उसमें दसम स्थान को माना जाता है, लेकिन केपी में केवल नवम को ही माना जाता है। इसका लॉजिक है और यही सत्य है, इसमें मैं ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा। और ग्यारहवां स्थान बड़े भाई का होता है, बड़े भाई। अब अपने रिश्तेदारों के बारे में जानकारी आप प्राप्त करना चाहोगे तो इसी आधार पर आप प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आपने अपने कुंडली का कस्पल सिग्निफिकेटर्स निकाल लिया, प्लेनेटरी सिग्निफिकेटर निकाल लिया, ग्रह स्पष्ट निकाल लिया, लग्न चार्ट, कष्ट चार्ट, दशा विवरण सब निकाल लिया, उसी आधार पर अपने रिश्तेदारों के बारे में भी आप आवश्यक होने पर जानकारी प्राप्त कर सकते हो, भविष्यवाणी कर सकते हो। उदाहरण के लिए कि देखिए लग्न आपका स्वयं का स्थान है और जब आप छोटे भाई बहन के बारे में जानकारी प्राप्त करोगे तो तीसरे स्थान को लग्न मान लो और आपका लग्न जो है वो ग्यारहवां हो जाएगा आपके भाई बहन के। चतुर्थ आपके माता का स्थान है तो आपका लग्न जो है उसके लिए दसवां स्थान हो जाएगा, दसम स्थान, कर्म स्थान, राज्य स्थान,
पदोन्नति स्थान, पंचम स्थान संतान पक्ष का आपके है तो लग्न स्थान उसका नवम हो जाएगा। यही आपका वह लॉजिक जिसके बारे में हमने कहा हमने नवम को माना है पिता का। मान लीजिए संतान का स्थान पंचम हुआ तो इससे नवा स्थान नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 आप स्वयं हुए। आपसे पंचम स्थान संतान का, संतान से नवम स्थान आप, अर्थात पिता का स्थान नवम होता है, ये सुसिद्ध है। और सप्तम स्थान पति या पत्नी का है तो आपका स्थान उससे सप्तम है क्योंकि एक दूसरे से सातवां ही होता है। नवम स्थान आपके पिता का है इनाते आपका स्थान उनके संतान पक्ष को देखा जाए। ग्यारहवां स्थान आपके बड़े भाई का है तो आपका स्थान छोटे भाई का हुआ कि नहीं, तृतीय। इस तरह से आप रिश्तेदारों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते। अब सवाल यह पैदा होता है कि आपकी कुंडली से सिग्निफिकेटर्स के आधार पर रिश्तेदारों का भविष्य कथन कैसे किया। हमने यहां मात्र दो चीज दिया है। मान लीजिए इस कुंडली वाले का लग्न का सब लॉर्ड या उप नक्षत्र स्वामी 5, 4, 9, 4, 5, 9 का कार्य तो लग्न का उप नक्षत्र स्वामी 5, 4, 9, 4, 5, 9 का कार्य है तो मान लीजिए भाई स्थान से यही स्थान देखना हुआ आपकी कुंडली में तो पांचवा स्थान तो आपके लिए 5, 4, 9 अर्थात 5, 4, 9 हुआ 5, 4, 9 संतान पक्ष माता पक्ष पिता पक्ष। का हो मर्दे तेनु अल्टा चलावा सारी कुछ फॉल्ट हो गया था विद्युत में, फिर आगे बढ़ रहा हूं इसको आप सारी हिस्सा आपके लिए। आप मान लीजिए आपकी कुंडली है 5, 4, 9 अर्थात 5, 4, 9, 5, 4, 9 आपके लिए तो 5, 4, 9 हुआ लेकिन छोटे भाई के लिए ये चौथा स्थान द्वितीय स्थान हो गया अगर उसको लग्न माना जाए तो पांचवा स्थान तृतीय स्थान हुआ, चौथा स्थान उसका द्वितीय स्थान हुआ और नौवा स्थान उसका सातवां स्थान। अर्थात जब आप छोटे भाई के बारे में जानोगे तो जो लग्न का सब लॉर्ड आपके है आपके लिए तो 5, 4, 9, 4, 5, 9 दर्शा रहा है लेकिन छोटे भाई के लिए 3, 2 और 7 बताएगा। अब इस तरह से आपके लग्न का तृतीय भाव का के लिए ये 3, 2, 7 का दर्शक है। माता के लिए यही स्थान जो आपके लिए 5, 4, 9 है माता पक्ष के लिए लग्न हो जाएगा, द्वितीय हो जाएगा और छठवां स्थान हो जाएगा। आपके संतान पक्ष के लिए यही 5, 4, 9 ये लग्न हो जाएगा, व्यास स्थान हो जाएगा और 1, 2, 3, 4, 5 पंचम। समझ रहे हैं? अब जहां जैसा फलादेश के नियम बताए गए हैं आप लग्न मान करके तृतीय स्थान को, चतुर्थ स्थान को, पंचम पत्नी स्थान के लिए यही पांचवा स्थान यही पंचम स्थान ग्यारहवां हो जाए लाभ स्थान हो जाएगा, यही चौथा स्थान आपकी कुंडली का उसके लिए दसवां हो जाएगा और यही आपके लिए आपका आपके लिए नौवां स्थान उसके लिए तीसरा स्थान। पिता के लिए 5, 4, 9 आप देखिए 5, 4, 9 पिता के लिए ये नौम स्थान होगा और चौथा स्थान जो है ये आठवां स्थान हो जाए और नौवां स्थान लग्न हो जाएगा। बड़े भाई के लिए आप देखिए पांचवां स्थान सातवां हो जाएगा, सात हो जाएगा और 6 हो जाएगा और 11 हो जाएगा बड़े भाई बहन। इस तरह से
जो रिश्तेदार हैं उनको लग्न मान करके आपकी कुंडली में जिन भावों का सिग्निफिकेटर कोई ग्रह है या कसफल सर लॉर्ड है, उसको लग्न के से जिस स्थान पर वो भाव स्थित हैं आपकी कुंडली से, उस संबंधी के लिए वो भाव मान करके जैसे आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करते हो, ठीक उसी तरह से अगर आप विश्लेषण करो, जैसे आपने कहा छठे स्थान का सब लॉर्ड अगर 2, 6, 10, 11 भाव का काजेश हो तो नौकरी मिले, पंचम स्थान का सब लॉर्ड 2, 5, 11 भाव का काजेश हो तो संतान पैदा होगी, सप्तम स्थान का सब लॉर्ड अगर 2, 7, 11 का काजेश हो तो विवाह होगा। तो ये चीजें मित्रों आप अपनी ही कुंडली से, जैसे हमने सेपरेट सेपरेट बताया है, अपनी ही कुंडली से उन भावों को उस संबंधी के लग्न के स्थान से गिन करके देख लीजिए, अगर उन भाव अगर 2, 6, 10, 11 भाव कार्यश हैं वो उस संबंधी के स्थान से तो नौकरी के लिए बता दीजिए, संतान से संबंधित संतान के लिए बता दीजिए, विवाह से संबंधित है तो विवाह बता दीजिए। अब जैसे दशानाथ है, दशानाथ को भी हमने दिया, दशानाथ मान लीजिए कोई 12, 6, 7, 5, 2, 11 आपके लिए 12, 6, 7 है, लेकिन संबंधियों के लिए एक संबंधी को हम लेते हैं जैसे माता के लिए, माता के लिए आपका 12वां स्थान 7, 8, 9 नौवा हो गया, 6वां स्थान आपका माता के लिए 1, 2, 3 हो गया, 7वां स्थान माता के लिए 1, 2, 3, 4 हो गया, 5वां स्थान माता के लिए द्वितीय स्थान हो गया, आपका द्वितीय स्थान माता के लिए 11वां स्थान हो गया, आपका 11वां स्थान माता के लिए 8वां। तो इन भावों को गिन करके इस तरह से आप फल करोगे और दशानाथ में भी वही भावों को इसी अनुसार आप व्यवहार करोगे, स्वीकार करोगे, तो निश्चित रूप से जो भी फलादेश आप करोगे वो सही सिद्ध होगा। मेरे ख्याल से वो विस्तार में जाने की जरूरत नहीं है, मेरा आशय आप समझ चुके हो। अपने रिश्तेदारों के बारे में भी अपनी कुंडली के द्वारा आप सटीक फलादेश कर सकते हो, लेकिन आवश्यक होने पर, यदि आवश्यक नहीं है तो आप उनका बर्थ डिटेल लेकर के अगर और सूक्ष्म जानकारी देना चाहोगे तो निश्चित रूप से मिलेगा, लेकिन अगर कोई चीज सारांश में देखना हो या तत्काल देखना हो तो जो आप निर्णय दोगे वो सही होगा। तो मित्रों आज का वीडियो यद्यपि बहुत लंबा है, बहुत छोटा है, लेकिन बहुत ही रोचक और उपयोगी है। आशा है आप वीडियो को समझने में कामयाब रहे हैं, और जो नोटिंग मैंने किया है आप उसको जरूर नोट कीजिए। अंत में आपको बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं।